अगर आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के लिए चैप्टर 1 फोर्स फ्रिक्शन एंड प्रेशर। करेंगे चैप्टर से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो गाइस गेट रेडी फॉर द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन सी फ्रिक्शनल फोर्स या ऑप्शनल डी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स है जिसमें कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है वो टच के माध्यम से हो, जैसे कि टकराव या उनके बीच में रोलिंग, इस टाइप के फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। इसमें आता है एग्जांपल अप्लाइड फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वो था फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि एक कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। और हमारा ऑप्शन ए था इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन बी था मैग्नेटिक फोर्स एंड ऑप्शन डी था ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तीनों फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रिक्शनल फोर्स, जो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर? ऑप्शन ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी न्यूटन पर मीटर एंड ऑप्शन डी टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रेशर का यूनिट नहीं है, इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रेशर के यूनिट कौन कौन से होते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स बाय एरिया के जो यूनिट्स होंगे वही प्रेशर के यूनिट्स होंगे। तो फोर्स का हम जानते हैं ऐसा यूनिट न्यूटन, और एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये तो एक यूनिट है प्रेशर का, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी पास्कल, पास्कल प्रेशर का एक यूनिट है, सो दिस विल अगेन नॉट बी द आंसर। चेकिंग फॉर ऑप्शन सी न्यूटन पर मीटर। तो हम अभी देखें कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक प्रेशर का यूनिट है, तो ऑब्वियसली न्यूटन पर मीटर तो प्रेशर का यूनिट नहीं होगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर लगना है। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। तो अगर हम चेक करें ऑप्शन डी की, तो देखिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, और डाइन जो है ये फोर्स का यूनिट है, और सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट है, तो अगेन ये भी एक प्रेशर का यूनिट है। तो हमारा क्वेश्चन था नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, न्यूटन पर मीटर प्रेशर का यूनिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रिक्शन इज इंक्रीज्ड बाय डैश। ऑप्शन ए लुब्रिकेशन, ऑप्शन बी पाउडर स्प्रिंकल्ड ऑन कैरम बोर्ड, ऑप्शन सी स्मूदनिंग द सरफेस एंड ऑप्शन डी ट्रेडिंग ऑफ टायर्स। तो क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज होगा, किस ऑप्शन से फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। ऑप्शन ए है लुब्रिकेशन। जब मशीन पार्ट्स में, जब मशीन पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, तो जो हम ऑयल या ग्रीस डालते हैं उस प्रोसेस को लुब्रिकेशन कहते हैं। तो उस केस में क्या होता है, लुब्रिकेशन करने से फ्रिक्शन यानी कि मशीन पार्ट्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, जो रगड़ आता है, टकराव, वो डिक्रीज होता है यानी कि घटता है। फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेशन किया जाता है, तेल डाला जाता है ओके मशीन पार्ट्स में। तो दिस विल नॉट बी द आंसर। ऑप्शन बी पाउडर स्प्रिंकल्ड ऑन कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड में जो हम पाउडर डालते हैं वो किस लिए करते हैं, हम कैरम बोर्ड में पाउडर इसलिए डालते हैं ताकि स्ट्राइकर और बोर्ड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए, घट जाए, सो दैट जो स्ट्राइकर है वो आसानी से मूव कर सके, यानी कि गेम जल्दी खेला जा सके, स्ट्राइकर जल्दी मूव करे। सो इस केस में भी फ्रिक्शन डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन सी है स्मूथनिंग द सरफेस। तो लुब्रिकेशन और पाउडर स्प्रिंकल करने से आखिर हो क्या रहा था, सरफेस को स्मूथ ही किया जा रहा था, जो रफ सरफेस था उसको स्मूथ कर रहे थे हम दोनों केस में। तो स्मूथनिंग ऑफ सरफेस से भी क्या होता है, फ्रिक्शन डिक्रीज होता है, फ्रिक्शन को कम किया जाता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी है ट्रेडिंग ऑफ टायर्स। टायर्स के जो ट्रेड्स होते हैं, वो जो ग्रिप
बनाए रखने के लिए जो टायर्स में खुरदरा यानी कि रफ पार्ट होता है ऊपर में सरफेस में टायर के, वो किस लिए बनाया जाता है? वो फ्रिक्शन इंक्रीज़ करने के लिए बनाया जाता है, ताकि टायर और जो ग्राउंड है उसके बीच में अच्छा ग्रिप बन सके और जो कार या व्हीकल है वो स्किड ना करे, गिरे ना। ओके, तो इस केस में फ्रिक्शन को इंक्रीज़ किया जाता है, हेंस जो ऑप्शन डी है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वैल्यू फॉर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ऑप्शन ए 75.3 किलो पास्कल्स, ऑप्शन बी 76 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ऑप्शन सी 1.01325 पास्कल्स, ऑप्शन डी 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करेक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वैल्यूज़ आखिर किस यूनिट में क्या है। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी ये सब है, 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 बार इज इक्वल टू 1.01325 पास्कल, 1.01325 किलो पास्कल, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एंड 760 टॉर। तो इन सारे वैल्यूज़ में हमारा जो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेशर इज इक्वल टू ऑप्शन ए एरिया बाय फोर्स ऑन विच इट एक्ट्स, ऑप्शन बी फोर्स बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, ऑप्शन सी वॉल्यूम बाय फोर्स ऑन विच इट एक्ट्स एंड ऑप्शन डी फोर्स बाय वॉल्यूम ऑन विच इट एक्ट्स। तो प्रेशर इनमें से किस ऑप्शन के इक्वल है? तो हमने अभी देखा था कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। फोर्स बाय एरिया हमारे ऑप्शन बी में है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द बॉय इज पुलिंग अ कार्ट बाय अ फोर्स ऑफ 100 newton, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कार्ट इज 20 newton, द फोर्स कॉजिंग द मोशन ऑफ द कार्ट इज? ऑप्शन नंबर ए 100 newton, ऑप्शन बी 120 newton, ऑप्शन सी 80 newton एंड ऑप्शन डी 5 newton। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लड़का है जो कि एक कार्ट को पुल कर रहा है अपनी तरफ 100 newton के फोर्स से, और उस कार्ट पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो 20 newton है। तो जो फाइनल फोर्स है, नेट फोर्स है जिसके वजह से कार्ट का मोशन हो रहा है, वो कितना है? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में था कि एक बॉय है जो कि एक कार्ट को पुल कर रहा है विथ अ फोर्स ऑफ 100 newton, और तो देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है, मतलब पुल जो कर रहा है कार्ट को ये बॉय, उसका डायरेक्शन है राइट की ओर। और क्वेश्चन में था कि कार्ट के ऊपर लग रहा था फ्रिक्शन 20 newton का, यानी कि कार्ट और ग्राउंड के बीच में 20 newton का फ्रिक्शन लग रहा था। ये जो फ्रिक्शन है कार्ट और ग्राउंड के बीच में, ये क्या कर रहा है? इसके वजह से जो कार्ट है वो पुल करने में बॉय को दिक्कत आएगा, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है ये फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सो जो 100 newton का फोर्स है उसको बैरियर ला रहा है। तो जो नेट फोर्स होगा जिसके वजह से कार्ट का मूवमेंट होगा यानी कि मोशन होगा, वो हो जाएगा फोर्स माइनस फ्रिक्शन, जो कि हो जाएगा 100 newton माइनस 20 newton, दैट इज इक्वल टू 80 newton। सो 80 newton जो कि हमारे ऑप्शन सी में था विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 का हमारा आंसर हो जाएगा 80 newton। क्वेश्चन नंबर 7, अ गैस फिल्ड बलून मूव्स अप बिकॉज, ऑप्शन ए ग्रेविटी फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन द बलून, ऑप्शन बी देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बलून, ऑप्शन सी अपवर्ड फोर्स ऑन द बलून इज मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑप्शन डी अपवर्ड फोर्स ऑन द बलून इज मोर देन फ्रिक्शनल फोर्स। क्वेश्चन है कि एक गैस फिल किया हुआ बलून ऊपर की तरफ क्यों मूव करता है? तो हम एक बलून बना लेते हैं, ठीक है चलेगा। ऑप्शन नंबर ए है कि ग्रेविटी फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन द बलून, तो ये तो गलत है, क्योंकि ग्रेविटी तो हर एक चीज़ पे एक्ट करती है। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हर एक चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जैसे कि न्यूटन बाबा ने कह के गए हैं।
तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं आंसर। सेकंड ऑप्शन है देर इज़ नो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बलून, तो यहाँ पे तो कुछ सरफेस ही नहीं है, एयर पे तो फ्रिक्शन का तो बात ही नहीं आएगा, सो दिस इज़ अगेन नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी है कि अपवर्ड फोर्स ऑन द बलून इज़ मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि अपवर्ड फोर्स जो है बलून पे ऊपर की तरफ जो लग रहा है फोर्स, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि नीचे की तरफ लगेगा अर्थ के सरफेस से, उससे ज़्यादा है, यानी कि अपवर्ड फोर्स इज़ ग्रेटर देन द डाउनवर्ड फोर्स दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सिंपल सी बात है कि अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होगा तभी तो बलून ऊपर की तरफ जाएगा, सो ये वाला ऑप्शन हमारा लॉजिकल है एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर। जो डी ऑप्शन है वो है अपवर्ड फोर्स ऑन द बलून इज़ मोर देन फ्रिक्शनल फोर्स, तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन हो नहीं रहा है तो फिर अपवर्ड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में कुछ रिलेशन ही नहीं होगा, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, टू थर्मोकॉल बॉल्स हेल्ड क्लोज टू ईच अदर मूव अवे बिकॉज ऑफ डैश फोर्स। ऑप्शन ए मैग्नेटिक, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल एंड ऑप्शन डी फ्रिक्शनल। तो मान लेते हैं ये दो थर्मोकॉल बॉल्स हैं जो कि क्लोज हैं आपस में, ये कह रहे हैं कि एक दूसरे से दूर क्यों जाते हैं, किस फोर्स के वजह से। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स रहता है इन दोनों के बीच में तो कोई मैग्नेटिक चीज़ है ही नहीं, तो मैग्नेटिक फोर्स का बात नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है ये फोर्स जिसके वजह से ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, क्योंकि जो थर्मोकॉल बॉल्स हैं उनमें मान लेते हैं कि सेम चार्ज है, तो या फिर दोनों में पॉजिटिव चार्ज है या फिर दोनों में नेगेटिव चार्ज है। तो इस चार्ज के वजह से इन दोनों के बीच में जो सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हेंस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बात करते हैं ऑप्शन सी की ग्रेविटेशनल, तो इन दोनों के बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, ना ही यहाँ पे अर्थ का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स का रोल है। ऑप्शन डी है फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये दोनों क्लोज तो हैं बट ऐसा नहीं है कि ये दोनों एकदम टच किए हुए हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर रोल कर रहे हैं, सो कॉन्टैक्ट तो नहीं हो रहा है इसके बीच में, तो इस वजह से, और फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से ना ही कि कोई चीज़ें दूर जाती हैं, सो फ्रिक्शनल फोर्स तो नहीं होगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 9, वेयरिंग ऑफ कार्टिलेज इन द बॉडी डैश फ्रिक्शन। ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी डज नॉट इफेक्ट एंड ऑप्शन डी मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो क्वेश्चन है कि वेयरिंग ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज यानी कि नरम हड्डी जो हमारे शरीर में रहते हैं उनका वेयरिंग, वेयरिंग एंड टीयरिंग सुना होगा आपने, मशीन पार्ट्स का होता है या फिर किसी भी चीज़ का वेयरिंग एंड टीयरिंग मतलब कि वो ख़राब हो जाना या फिर उनका काम जो है रुक जाना, तो इसके वजह से बॉडी में जब नरम हड्डियाँ टूट जाती हैं उसको हम वेयरिंग कहते हैं, टूट जाती हैं कम्प्लीटली नहीं बट थोड़ा सा, तो ये वाला क्या होगा फ्रिक्शन पे इसका क्या रिलेशन है। तो कोई भी चीज़ अगर टूट जाए या थोड़ा सा उनमें क्रैक हो जाए या कुछ हो जाए तो क्या होगा, फ्रिक्शन उनके बीच में इंक्रीज़ होगा, क्या होगा टच होगा उनके बीच में ज़्यादा, कांटेक्ट होगा, रगड़ना होगा, टकराव आएगा, तो क्या होगा फ्रिक्शन उनके बीच में इंक्रीज़ होगा, जहाँ टकराव आएगा वहीं फ्रिक्शन, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस क्लास 9 साइंस के फोर्स फ्रिक्शन और प्रेशर के। हम इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर कहीं पे भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।